Hello friend, welcome to computer learning channel on YouTube. आज हम टेली ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑप्शन को एक्टिवेट करना सीखेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. जीएसटी को प्रेजेंट कंपनी में इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम अपना टेली ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे. उसके बाद हम अपनी जो एग्जाइटिंग कंपनी है उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे नॉर्मली हम सिलेक्ट करते हैं. उसके बाद फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे. F11 जो शॉर्टकट की होती है कंपनी फीचर्स की. उसके बाद आप इसमें स्टेटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे. जैसे आप उस ऑप्शन पर यस या इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास सबसे फर्स्ट ऑप्शन इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि आपको यस करना है. और इसका जो सेकंड ऑप्शन है सेट एल्टर जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को भी आपको यस करना है. जब आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो ये आपसे डिटेल मांगेगा जो आपकी जीएसटी की डिटेल होगी. सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपकी कंपनी किस स्टेट में है. दूसरी बात, आपको इसमें GSTR1 जो चालान होता है एक्चुअल में GST रिटर्न भरने का, या आप मंथली फाइल करेंगे या क्वार्टरली, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपको डिसाइड करना है. उसके बाद सबसे मेन चीज़ होती है इसमें GST नंबर. ये जो GST नंबर होता है 15 डिजिट का होता है, जिसमें स्टार्टिंग की जो डिजिट होती है वो स्टेट की होती है, और उसके बाद में आपका पैन कार्ड नंबर होता है, एनिटी कोड होता है, और एक चेक डिजिट होती है. हम आपको इसका एक फॉर्मेट बताते हैं जिसके थ्रू आपको इजी होगा. ये देखिए, ये इसका फॉर्मेट होता है जीएसटी नंबर का, जिसमें स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट होती है स्टेट को लेकर होती है. फिर आपका पैन कार्ड नंबर होता है जिस कंपनी का भी आप वर्क कर रहे हैं. उसके बाद एनिटी नंबर होता है. उसके बाद अल्फ़ाबेट एक नंबर होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट जेड होता है. उसके बाद एक चेकसम डिजिट होती है. वैसे आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सीखने के पर्पस से ये चीज़ डालना चाहते हैं तो इस तरह से आप डाल सकते हैं. और आप रियल अगर कंपनी के अंदर एक्टिवेट कर रहे हैं तो अगर आपने GST अप्लाई किया होगा तो आपको GST का जो नंबर है आपको मिला ही होगा, वही नंबर आपको अपने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करना है. तो ये नंबर आप डाल देंगे. उसके बाद में आप डालेंगे एप्लीकेबल फॉर्म. एप्लीकेबल फॉर्म का मतलब होता है कि GST आपकी शॉप पर या आपकी कंपनी में कब से अप्लाई हुआ, वो आपको डेट यहाँ पर डालनी होगी. इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन है, बाकी उन्हें अभी यस नहीं करना है, क्योंकि ये सारे ऑप्शन हम सिस्टमेटिक अंदर फीचर्स में जाकर चेक करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद में आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट कराना है और इंटर प्रेस करते हुए आपको बाहर आ जाना है. तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंट एग्जाइटिंग कंपनी में GST को इनेबल कर सकते हैं. और अब इसकी जो और भी वीडियो है रिलेटेड होगी वो हम अपने अदर वीडियो सेक्शन में आपको एक्सप्लेन करेंगे. डियर फ्रेंड, आपने जो हमारी वीडियो देखी है अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके थ्रू वो भी कुछ नॉलेज अपना बढ़ा सकें. और अभी तक आपने अगर हमारे कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप तक हमारी और भी एडवांस वीडियो डायरेक्ट पहुंच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन YouTube.